नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आदिवासियों को दिए जाए वन भूमि के पट्टे, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। चना खरीदी केंद्रों का नियोक्ताओं के बीच आज अंतिम दिन। किसानों को दिए जा रहे हैं टोकन, लेकिन नहीं हो पा रही है पर्याप्त खरीदी। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों में क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की, जिनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। अतिथि शिक्षक संघ काफी परेशान है। पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार, तमाम सरकारों ने इनसे वादा किया था कि इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया। वहीं लॉकडाउन के बीच इनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कई तरह की मांगों का उल्लेख है। इनका कहना है कि नियमितीकरण एवं अन्य मांगों को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लॉकडाउन के बीच इनका वेतन नहीं दिया जा रहा, इस बात से खासे नाराज हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सरकार के निर्णय के अनुसार ताला लगा रहा और लॉकडाउन का वेतन न मिलने से अतिथि शिक्षकों के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश महोदय द्वारा ज्ञापन दिया है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग को लेकर। और माह जून, जुलाई और मई के वेतन संबंधी कि कोविड-19 के चलते हुए हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि हमें मई, जून, जुलाई का वेतन दिया जाए और हमें जल्दी नियमित किया जाए। बहरहाल देखने लायक होगा इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकड़ीसी न्यूज, सभा। दमोह नगर की मुकेश नायक कॉलोनी में रहने वाले 65 वर्षीय वृद्ध विष्णु की जमीन राजनगर के समीप है, जहां उनके साथ मारपीट की गई। दोबारा उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए, लेकिन पर्याप्त कार्रवाई अब तक नहीं। उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। दमोह नगर के लाडन बाग में रहने वाले विष्णु पिता छैकोड़ी 65 वर्षीय वृद्ध अपनी जमीन को देखने के लिए राजनगर गया हुआ था, तभी वहां पर कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। बताया जाता है कुछ समय पूर्व भी वृद्ध के साथ मारपीट की गई थी, जबरन उसकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? विष्णु लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? राजनगर। क्या हो गया आपको? रात में हम तो बस एक 150 इंजर कल्याण ने और दुर्गेश ने आनंद ने लुखे हमें पकड़ के मारू घर ले गए। लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से। और भी सामान लाए थे, फरसा कतरना भी लाए थे, कहते हम जान से मारा है। अगर तुम किस वजह से मारा है? उधर हमारी जगह है, उस जगह पर चल चल रही थी। कहाँ है आपकी? राजनगर में। कितने लोगों ने मारा? 3 लोग थे, आनंद, दुर्गेश और कल्याण। रिपोर्ट किया आपने? नहीं जी, मैं राजनगर में रहता हूँ। वहाँ पे हमारे रात्रि के समय पिताजी, वहाँ पे हमारी खेती है, वहाँ पे बसने के लिए जाते हैं, है ना। तो वहीं से हम लोग निकलते हैं टोरिया से, है ना। तो ये लोग आनंद, दुर्गेश, कल्याण, इन तीनों लोगों ने हमारे पिताजी के लिए घर में से निकाल के बाहर, इन लोगों ने जबरदस्ती निकाल के बहुत बहुत गंदे तरीके से इनके लिए पीटा। उनकी दोनों आँखें फोड़ने की कोशिश की उन लोगों ने। कतन्ना फरसा और भी सामान लिए थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो लोग कि यदि आप। किस वजह से विवाद हुआ था?
वहाँ पे उसके पहले उन लोगों ने हमारी ज़मीन का पेड़ काटा था, तो हमारे छोटे भाई हैं जो कैलाश पटेल, उनके लिए उनने जान से मारने की धमकी दी थी, कुल्हाड़ लेके रगड़ा था, जिसकी अपन ने शिकायत चौकी में भी की, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके चलते हुए कल रात्रि को हमारे पिताजी वहाँ पे बसने के लिए गए तो उनके लिए ये पता चला कि इन लोगों ने हमारी अपूर डाल दी है, तो उनने उसके चलते हुए हमारे पिताजी के लिए जान से मारने की कोशिश की। और क्या नाम है आपके पिताजी का? श्री विष्णु पटेल। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा जौलपुर नाका चौकी में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, वह उचित न्याय की मांग कर रहा है। संजय सरवरी, लखीरी से न्यूज सभाओ। दमन नगर पालिका में काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं। तमाम जो लोग हैं वे पंजीयन कराना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराना चाहते हैं। बताया जाता है कि पद विक्रेता है, इन्हें 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें 7% जो ब्याज है केंद्र सरकार देगी, 5% राज्य सरकार देगी। ऐसे में तमाम लोगों को 1 साल के अंदर ये पैसा वापस करना होगा। लॉकडाउन के बीच इनके धंधे बंद रहे, जिसके चलते सरकार के द्वारा मदद तो हाथ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ जो पंजीयन कराने लोग आए तो मास्क लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। दमोह नगर पालिका में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जितने भी पथ विक्रेता हैं तमाम लोगों को कर्ज दिया जाएगा, 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 1 साल में बिना ब्याज के इस राशि को वापस करना होगा। इस राशि का जो ब्याज है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर भरेगी। काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, आइए हम आपको दिखाते हैं। किस लिए आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या वजह? हम लोग को जानकारी मिली थी लॉन्ड्री वहाँ मरे जाने, इसलिए हम लोग आए। आधार कार्ड है, जमा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड हो गए, कब से खड़े हैं आप लोग? 1 घंटा करीब हो गया। यहाँ कोई व्यवस्था है? सोशल डिस्टेंस जनता के लिए आए थे। तो यहाँ फॉर्म भरा है आपको? क्या बोला है? इसके पीछे अधिकारियों के क्या तर्क थे, ये भी हम आपको सुना देते हैं। ये मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के माध्यम से शहर के और ग्रामीण अंचलों के उन पद विक्रेताओं के लिए जिन्होंने कोविड-19 में अपनी संपूर्ण पूंजी समाप्त कर दी है, शासन के द्वारा उन्हें फिर से उनके व्यवसायों को शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण विदाउट किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार 7% ब्याज अपने तरफ से जमा करेगी और 5% की छूट राज्य सरकार के माध्यम से होगी। कुल मिला के जो हमारे पद विक्रेता हितग्राही हैं उन्हें ब्याज मुक्त राशि सहज तरीके से ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। यह पंजीयन 9 से 25 जून तक जारी रहेगा। यह नगरी प्रशासन के किसी भी कार्यालय में, खासतौर से नगर पालिकाओं, नगर निगमों में और MP ऑनलाइन के केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क इसके पंजीयन कराए जा सकते हैं। और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत है उसमें आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक पासबुक और आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर अति आवश्यक है। ये कागजात के साथ आकर आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। कोई उम्र का बंधन है या कुछ और ऐसा? नहीं, इसमें उम्र का भी कोई बंधन नहीं। किसी तरह जो दिशा निर्देश आए हैं उसमें उम्र का कोई बंधन नहीं। हाँ, एक परिवार से एक व्यक्ति को ही अप्लाई कराया जा रहा है। अभी जो भीड़ लगी है, बहुत ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कई लोग मास्क नहीं लगाए थे, ऐसे में क्यों नहीं उसको जागरूक किया जा रहा लोगों को? अभी आज सोमवार का दिन है और इस वजह से जो बैकलॉग था फ्राइडे का, समग्र ID में जो करेक्शन हुए थे वो लोग भी आ गए और जिनको सोमवार को बुलाया था वो भी आ गए। इस वजह से थोड़ा सा हैपजर्ड हुआ था, लेकिन व्यवस्थित कर दिया गया है। लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मास्क और कपड़े लेकर आएं ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन करें।
इसके लिए दो व्यक्ति हम लोगों ने मुकर्रर किए हुए हैं और वो लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन महिलाओं से सहयोग कम मिलता है। तो एक महिला कर्मी भी हम लोग इस बार व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाओं में महिला कर्मी भी सहयोग करें। सरकार नियम बनाती है, शासकीय कार्यालय में ही शासकीय नियमों का पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कि आम जनमानस की स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, उनके जीवन की रक्षा हो सके, नगरपालिका किस तरह से हम व्यवस्थाएं बनाती है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज सभा। भटियागढ़ थाना अंतर्गत एक महिला ने स्वयं को आग लगा ली, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर स्थिति में उसे भटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जाता है कि ये डीएड पर पढ़ाई भी कर रही थी, इसी बीच अचानक उसके द्वारा ये कदम। भटियागढ़ थाना अंतर्गत ये पूरी घटना सामने आई, जहां पर आग से जल जाने पर गंभीर स्थिति में महिला को भटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अहरवाल समाज की ये महिला थी, जिसने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। महिला के द्वारा इस तरह का अप्रिय कदम क्यों उठाया गया, इस बात का खुलासा नहीं हुआ। परिजनों को विशेष जानकारी नहीं है। परिजन बताते हैं कि वह डीएलएड कर रही थी, इसी बीच फीस के लिए भी पैसा मांगा गया था। इस संबंध में हमने मृतिका के परिजन एवं मृतिका के ससुर से चर्चा की। कल आज उसकी फीस भरी जाने थी, डीएड बीएड कर रही थी गड़ाकोटा से, तो उसने फोन लगाया कि भाभी हम लिए ले जाओ तो हम लिए फीस भर दें गड़ाकोटा में। तो इन्होंने बोला इसके पति ने कीर्ति के, ऐसे कहा नहीं हम लेके आ रहे हैं, आप लोग मत आओ लेने के लिए, हम लेके आ रहे हैं। चार दिन से लड़की तैयार बैठ बैठ जाए, ना कोई इसको लेने भी नहीं पहुंचा रहा, ना ऐसे कहा लेने के लाने आन दे रहे हैं, नहीं हम खुद लेके आ जाएंगे। तो 3 बजे हम लोगों की बात हुई कि कीर्ति का होगा, तो कीर्ति ने बस जा कही है कि हाँ हमला ने बचा ली, तो बस जा बात भाई इनकी फोन जल्दी कट गया। दोबारा से फिर से फोन लगा तो फिर कोई ने फोन नहीं उठा हुआ है। आप कितने बजे जानकारी चली? हम लोगों के लिए 3:30 बजे 3:45 बजे जानकारी मिली है, जो पुलिस वालों ने फोन लगाया सर जी ने कि आप लोग आपकी लड़की का यहाँ से ऐसा हाल हो गया है, तो आप लोग आओ यहाँ। तब हम लोगों को खबर मिली है, लेकिन उनके घर परिवार वालों ने कोई ना खबर नहीं दी हम लोग की। अभी तक उनके घर परिवार वाला कोई भी नहीं है। रात को हम जब लोग वहाँ से लाश लेके निकल के यहाँ आए हैं पीएम के यहाँ, तो अभी कोई भी उनके घर वाल का कोई नहीं आया है। आपकी कौन है? हमारी वो ऐसा भतीजी है। क्या नाम है? कीर्ति। आपका क्या नाम? बती। क्या नाम है आपका? बुलाई चौधरी। बुलाई है। क्या घटना है? मेरी बहू ने आग, हम दोनों पति पत्नी हम लोग काम करते घर की छोड़े को माँ की साप रही थी साहब, और हमको माँ के जाने के लिए करते थे, तो मेरे पास में 600 रुपये आते, तो मैं 600 देखा चलूँगा बेटा चलूँ देखियो, और अपने लोग बहु बोली कि नहीं हमें तो और चांद का पास 2000 और, तो मैंने कहा बेटा मेरी लड़की है, फिर लड़का ने जा बोली कि तुम रुको हम पैसा बहुत पूछ रहे हैं, फिर अपन चल रहे हैं अभी तुम अभी कई हवा लग गई। तो फिर हम और छोना ही करते हम लोगों को पता नहीं, जब घर में आग लग गई है तो हमने लगा लेंगे, तो हम लोगों और दूसरों ने पता किया, पता के कारण आज उन्होंने किबरा पथरा से टूरे घन मारे। जब इतवार कितने साल हो गए थे शादी? 4-5 साल। कहाँ तुम्हारे? पथर किया। घर कितनी दूर है तो जहाँ से आग लगा? तो क्या रक्षा था? हाँ हम हुए 50 साल। और दे आए पक्ष बारे तो हमारे लड़का हूँ उनमें मारपीट बहुत मार गांव वालों ने देखो साहब। पुलिस नहीं गई थी? पुलिस भी गई थी, तो पुलिस के सामने मारो हुए हम तो थानों में थे साहब, और हमारी भाई जन हम मारो। कितने टाइम की घटना? कोई 3 बजे की बात। पुलिस में जानकारी कितने टाइम की? कोई 3 बजे की।
फिलहाल पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सबरिया, लकड़ीसिया न्यूज सभा। श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बानकपुर में भक्तों को भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मूर्ति स्पर्श की किसी भी तरह से अनुमति नहीं है जिसके चलते प्रत्येक सोमवार को हजारों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। श्री देव जागेश्वरनाथ धाम माधकपुर में लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। विशेष रूप से सोमवार को विशेष श्रृंगार के साथ भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन होते हैं। भोलेनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में भक्त प्रतिदिन पहुंचते हैं लेकिन सोमवार को भक्तों का विशेष मेला नजर आता है। यहाँ पर पहुंचे भक्तों को मूर्ति स्पर्श की अनुमति नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर भगवान की पूजन अर्चन चल रहा है। शंकर गए कैलाश अखंड तपस्या धारण की जय 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 भोलेनाथ। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। शिव समान दाता नंदी के अश्वार अब लज्जा मोरी राखियो। शिव नंदी के अश्वार भगवान भोलेनाथ के दरबार में लॉकडाउन के दौरान केवल पुजारियों को अनुमति थी जिसके बाद मंदिर जैसे ही 8 तारीख से खुलना प्रारंभ हुए लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज सभा। बथरिया की दबंग विधायक श्रीमती रामबाई से परिहार के दौरान भोपाल में जाकर कृषि मंत्री से मुलाकात की गई। उनका कहना की चना खरीदी के समय में और भी अधिक बढ़ोतरी की जाए, पर्याप्त चना खरीदी नहीं हो पाई। साथ ही उनके द्वारा पथरिया एवं बटियागढ़ केंद्र पर जो अनियमितताएं चल रही थी उसको लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई। पथरिया की दबंग विधायक श्रीमती रामबाई से परिहार अब भोपाल में लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर कृषि मंत्री से मिलकर उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत करा रही है। साथ ही खरीदी का समय बढ़ाए जाने की उनके द्वारा मांग रखी गई। इसके साथ ही उनके द्वारा ये बताया गया कि बटियागढ़ एवं पथरिया के जो खरीदी केंद्र है इसके अलावा दमोह जिले के जो केंद्र है उस पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार सर्वेयर समिति प्रबंधकों के द्वारा जमकर लूटपाट की गई है। किसानों का जो वाजिब हक था
किसानों को नहीं मिल पाया, लूटपाट के किसान शिकार हुए हैं, किस तरह के उनके आरोप रहे हैं, किस तरह से उनकी मुलाकात हुई है। किसान के लिए हम कुछ भी करते चना तुम्हारा छोड़ने वाला मिक्स आता था वो हमने 2% मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की, प्रधानमंत्री जी से 2 बार बात की तब जाके वो हुआ। जिन्हें करा दी लेकिन इनका कहना है कि जिसको करना था उसको नहीं करी दूसरे को कर दी। मैं इनका आवेदन ले लेता हूँ और उसके बाद आपको भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और बिल्कुल सही, अगर अधिक टोल किया है करते ही सोसाइटी वाले 2-2 किलो 1-1 किलो अधिक टोलते हैं। मैंने पूरे प्रदेश में FIR कराई है। दूसरा प्राइवेट मेरा उस मामले में गड़बड़ करते हैं। एक ट्रक में कुल 90 टोकरी और भनवाड़ा में 41 किसानों का 42 लाख रुपये नहीं दिया था, 1 साल से चले वो क्यों नहीं दिया था, बोले साठे जागे तो उसके लिए मेरा उस वाला दोषी है, थोड़ी किसान दोषी है, थोड़ी दी वाला। तो मैंने अभी 42 लाख रुपये दिलवाए किसान, और इसलिए वो इसलिए गड़बड़ है पूरी, अब बिल्कुल ठीक कराओ है ना। तो पहली बात ये थी कि अभी किसानों के चना घर पे ही रखे हैं, पूरी उनकी मतलब चना बिकी नहीं है, तो इसकी हमने जो आज जो डेट थी वो ख़त्म हो चुकी थी चना खरीदी की, तो हमने मंत्री जी से निवेदन किया है तो उन्होंने बोला कि हम इसका समय बढ़ा रहे हैं, मतलब 25 या 30 तक की समय बढ़ जाएगा। और विशेष तौर पर हमने बोला है कि जो वेयर हाउस है उनके अंदर खरीदी करी जाए, बाहर की ज़रूरत नहीं है, खुले में ज़रूरत नहीं है, तो पानी की और इसकी कोई समस्या न रहे। और जिस दिन पानी गिरे उस दिन ना करें, और जिस दिन पानी खुला रहे उस दिन करें तुलाई। तो खरीदी भी किसानों के हित में मतलब ये बात की है मैंने डेट बढ़ाने के लिए। और जो पथरिया में और बटियागढ़ में लापरवाही हो रही है, सर्वेयरों से लेके अधिकारियों से लेके समिति प्रबंधक से लेके, उनने बोला एक लिखे दो आप हमारे यहाँ, हम इस पर कड़ी कार्रवाई करवाती हैं। जो पथरिया में अभी तक नियम से कार्रवाई नहीं हुई है जन अधिकारियों पर, उन पर होगी, और जिनको उसमें झूठा फंसाया है उनको उनने बोला है जांच करके निकलवा देंगे। ये स्थिति है और हमने उनसे बोला है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं आपके यहाँ से हटूंगी नहीं, मैं आज गई थी कल फिर जाऊँगी, कार्रवाई नहीं होगी चाहे वो कोई हो। जिस व्यक्ति ने इस मैटर में पथरिया को लेके किसानों को लेके लापरवाही की है वो किसी को बख्शा नहीं जाए, और मैं बख्शने दूंगी नहीं चाहे वो कोई भी। फिलहाल देखने लायक होगा मंत्री से मुलाकात के बाद कितनी तस्वीर बदलती है, कब तक किसानों की समस्याएं हल होती हैं। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज संभव। शासकीय चना खरीदी का आज अंतिम दिन है, चना खरीदी केंद्रों पर काफी लंबी कतारें। बताया जाता है कि जो किसान है लगभग 72 घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ताकि उसका भी नंबर आए, उसका भी चना तुल सके। सरकार के द्वारा टोकन जारी करने के साथ ही खरीदी पर ब्रांड लगाया जाएगा, तमाम खरीदी केंद्रों पर ये कार्य चल रहा है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर हमालों के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, वहीं यहाँ पर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई। दमोह जिले के चना खरीदी केंद्रों की बात की जाए तो अव्यवस्थाओं के बीच आज अंतिम दिन किसानों के चने की खरीदी हो रही है, लेकिन अंतिम दिन भी किसान लुटने से नहीं बच पाए। किसान बताता है कि खरीदी केंद्रों पर जमकर पैसा लिया गया और उन्हें परेशान भी किया गया, 2 से 3 दिनों तक परेशान किया गया, प्रत्येक सर्वेयर हो या फिर समिति प्रबंधक, जबकर लूटपाट मचाई गई। आज हम जब किलाई चना खरीदी केंद्र पर पहुंचे तो यहां पर किसानों के द्वारा बताया गया कि जैसे जल्दी तुलवाना हो उसे अधिक पैसे लगते हैं, साथ ही अगर खराब माल है तो वह भी यहाँ पर पैसे देकर खरीदा जाता है। कई तरह के वीडियो पहले भी वायरल हुए हैं, इस संबंध में हमने किसानों से चर्चा की। 9 वाहन से परिवार। कहाँ से आए थे? शिवारा। कब आए थे आप? 3 दिन हो गए। आपकी तलाई कब हुई थी? 5 सुदामा दुबई। कहाँ से आए हैं आप? पारा। कब आए थे आप? तो आज ही सुबह आए, रात में गाड़ी लगवा दी थी, वाहन लगी नहीं रात में जी, तो रात में वहाँ खड़ी हो जाती है बाहर गेट के, और सुबह फिर एंट्री और टोकन वगैरह मिलता है, उसके बाद यहाँ तलाई चालू। तुलाई कैसी चल रही है? तुलाई बढ़िया चल रही है। तुलाई का पैसा कितना क्या लग रहा है? तुलाई का और उतराई का जी ट्रैक्टर से।
पहले दिन लगा यहाँ 13 रुपये, दूसरे दिन लगा 15 रुपये, जब से हम आ रहे हैं अभी 2-3 दिन से आज 2500 रुपया तो लाए। शासन की ओर से व्यवस्थाएं क्या कैसी की गई है? शासन की ओर से व्यवस्थाएं ठीक है, DM साहब भी आए, SGR मैडम भी आए, सब लोग आए, व्यवस्था जमाई सब, लेकिन अब पल्लेदार हैं, अपने मन का काम करते हैं बस, और कुछ नहीं है। कौन कौन से नंबर है? देवेंद्र राय कौन से टोकन नंबर है? कल वाले ट्रैक्टर अलग का नहीं लगवाया, 26 22 साल देवेंद्र को 33 नहीं और देवेंद्र को 33 को 32। बहरहाल किसानों के नंबर को लेकर पटवारी, तहसीलदार, SDM तक की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन बताया जाता है यहां जो ग्रोह सक्रिय है, वरिष्ठ अधिकारियों के आने पर अम्बालों को यहां से गायब कर दिया जाता है ताकि समस्याएं जस की तस नजर आए। अधिकारी दिशा निर्देश देने के बाद घर चले जाते हैं और रात्रि के समय व्यापारियों का माल किसानों के नाम पर जमा हो जाता है। संजय सरवरिया, LKDC न्यूज, संभव। दमो वनमंडल के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज लोगों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया और उन्हें पट्टे दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेसी भी मौजूद रहे। दमो वनमंडल के अंतर्गत शासकीय वन भूमि पर काबिज लोगों के द्वारा पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों के साथ कांग्रेस भी खड़ी नजर आई। उनका कहना है कि बरसों से जिस भूमि पर वह काबिज है, इस भूमि का पट्टा उन्हें दे दिया जाए, वन भूमि का यह पट्टा दे दिया जाए, सरकार की योजनाएं भी हैं जिसका लाभ वह चाहते हैं। इन लोगों का जमीन में पेड़ वगैरह भी लगे और सबसे मतलब गोल ही नहीं करने दिया जो प्रबंधक रोटी रोटी का कोई साधन नहीं है। कोरोना जैसी महामारी फैली कहाँ जाएंगे बताइए? महामारी के समय जब की देश देश और विदेश से लोग आ रहे हैं बाहर और अपने यहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो भेज देंगे द्वारा। और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई पंडित नितिन मिश्रा जी के सौजन्य से मड़ाहार में जो आदिवासी वर्ग का एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है, करीब करीब 20 परिवार है जो 50 वर्षों से वहाँ खेती कर रहे हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन मात्र वही वनभूमि और नजूल भूमि, और उन लोगों की कार्रवाई भी जो शासकीय कार्रवाई है पट्टे की वो भी उन लोगों ने पूरी कर दी है। लेकिन अभी कुछ दिनों से एक हफ्ते से वन विभाग के लोग जाते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे सांप्रदायिकता भी भड़क सकती है। वन विभाग की लीड गार्ड मैडम है भी नजमा मैडम बताया, तो इन लोगों से आदिवासियों से ऐसी बातें करती हैं कि जिससे उनकी महिलाएँ और लोग भी काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों ने आकर आज जिला कांग्रेस कमेटी में हम लोगों को समस्या बताई। हम सभी कांग्रेस के लोग भाई मिश्रा जी, भाई अनिल जैन जी, के अग्रवाल जी, हमारे किसान कांग्रेस चीरन भाई धनी गक्का और हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई पप्पू कुशवाहा जी, सभी लोग आकर आज DFO विपिन पटेल जी को ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया है कि सर अभी ऐसी महामारी का जो प्रकोप चल रहा है पूरे विश्व में, किसान लोग विदेशों से और देश से कई कोनों से वापस आकर अपने स्थान पर अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन जुटा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनको भेद भरना किया जाए और उनको वहीं पर रहने दिया जाए। जी, हमारे सेवा दल से जुड़े जो किसान साथी हैं जो लंबे समय से वन भूमि पर काबिज हैं, लगभग उनको 2 पीढ़ियां वहाँ पर काबिज हुए हो गई है, उनको ज़मीन से बेदखल करने की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। जब ऐसे लॉकडाउन में सारे लोग परेशान हैं, बारिश का समय आने वाला है और वहाँ से बेदखली का आदेश जारी करने के लिए मैडम वहाँ बार बार जा रही हैं, उसको लेकर हमारे सेवा दल के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग आए हैं और हमने निवेदन किया कि एक तरफ तो शासन ये कह रहा है कि हम जो आदिवासी लोग हैं उनको कहीं वन भूमि पर भी पट्टे देंगे और जहां वो काबिज हैं उनके दावों का निराकरण जल्द से जल्द करेंगे और जिला स्तर पर इसकी एक टीम भी बनी है। वहीं दमोह से मात्र 5 किलोमीटर दूर जो आदिवासी हैं
वो इस तरीके से बेचारे परेशान हो रहे हैं। इन सब समस्याओं से हमने अधिकारी जी को अवगत कराया है, माननीय पटेल साहब को, और निवेदन किया है कि उनको वहाँ से बेदखल ना किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। 40 साल से खेती कर रहे हैं वहाँ पर, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी ये नजमा मैडम गई तो हम लोग कोल्टा सीधा बोलती, मारने चमकाने की धमकी देती है भवानी चौकीदार, और बोलती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, पर हम लोग को मकान तोड़ने के लिए बोल रहे, खेती नहीं करने दे रही, जो हम लोग वाहन चलवाते उसको पकड़ ले। क्या चाहते हो आप? काफ़ी लंबे समय से सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, आज भी कुछ लोग इस योजना से वंचित नजर आते हैं। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज सभा। दमोह विधायक राहुल सिंह इस समय जनसंवाद कार्यक्रम में व्यस्त बताए जाते हैं। लगातार लोगों से मिलकर बिजली के जो भारी भरकम बिल है उसको लेकर आम जनमानस की समस्याओं को सुन रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ गई, उसके बाद भारी भरकम बिल से लोग परेशान है। उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर विधानसभा तक कूच करेंगे। वहीं दमोह में भी एक ज्ञापन सौंपेंगे। दमोह विधायक राहुल सिंह के द्वारा दमोह नगर में जनसंवाद किया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड गली कूचे में घूमकर लोगों से बिजली बिल को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। उनके बिल की फोटोकॉपी भी ली जा रही है, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही बिल कम कराए जाएंगे। इसी चर्चा के तहत आज दमोह नगर में वह अनेक स्थानों पर व्यापारियों से मिले, पत्रकारों से मिले, चाय पर चर्चा भी की और लोगों से उनकी समस्याओं को भी जाना। क्या कहते हैं दमोह विधायक, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस महामारी के दौरान हमारे दमोह में कम से कम 2.5 से 3 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन था, और उस लॉकडाउन के दौरान बिजली के जो बिल आए हैं उनको लेके पूरा शहर, पूरा जिला परेशान है। और इसके पहले जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 यूनिट पे 100 रुपए के हिसाब से बिल आते थे, उसी को लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं और सभी से चर्चा कर रहे हैं कि, और मध्य प्रदेश सरकार से मांग भी करते शिवराज जी से कि मानवता के नाते, मानवीय दृष्टिकोण से हमें बिजली के बिल माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी दुकानें चली नहीं, हमारा व्यापार चला नहीं, हमारे व्यवसाय चले नहीं, तो हम बिल कहाँ से भरें। साथ ही साथ मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब कभी बाढ़ आती है या भूकंप या कुछ इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार आगे आती है, और सरकार आगे आके उस क्षेत्र के लोगों की मदद करती है। तो ठीक इसी प्रकार ये कोरोना भी एक आपदा है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और नैतिकता के आधार पर 3 महीने का बिजली का बिल माफ करके आम जन, उपभोक्ता, व्यवसायी सभी को राहत देना चाहिए। उसी को लेकर सभी वार्डों में चौराहों पर बैठकर आम जन लोगों से चर्चा करके उनकी समस्या, उनके दुख दर्द को लेकर बांट रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस इस बात को लेकर एक बृहद ज्ञापन देने वाली है। अब तक जितने भी बिल मिले हैं उन्हें शिकायत के साथ सौंपेगी और जल्द ही उनमें सुधार के साथ उपभोक्ता तक पहुंचे, ऐसी मांग भी करने वाली है। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज सभा। वर्तमान समय में आम की फसल देखी जा रही है, ऐसे में वृद्ध हो या फिर युवा, तमाम लोग पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने का प्रयास करते हैं। सी बीच में घटना का शिकार भी हुए हैं। आज 2 लोगों को आम के पेड़ से गिरने पर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल। राजीव वाले से एक मामला सामने आया जहां पर एक वृद्ध माधव प्रसाद आम के पेड़ से नीचे गिर गए। बताया जाता है आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए थे, आम अचार के लिए इन्हें आवश्यकता थी, इसी बीच ये पेड़ से नीचे गिर गए। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनका उपचार जारी है। आम के पेड़ की लगातार पट गई, ऊपर से गिर पाई, दशक पड़नी उनकी है। आप क्या कर रहे थे? आम टूर भी काढ़ी थी, अचार चुरा गए। क्या नाम है आपका? मामा प्रसाद दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? लाल जी वर्जा। पंडित हरगोविंद बाबा जी जी। कौन है आपके? ये हमारे ससुर के पिता। क्या नाम है इनका? प्रसाद। क्या हो गया? आम के पेड़ पे से गिर गए।
क्या करना है जी? आम तो बड़ा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रांची में। वहीं दूसरा मामला गाड़ा घाट से सामने आया, जहां पर 12 वर्षीय प्रेमेंद्र आदिवासी आम के पेड़ से नीचे गिर गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? मन्ना। कहाँ के रहने वाले हो? भोगरा। ये कौन है आपको? क्या नाम है इसका? देवेन। क्या हो गया? आम कैसे गिर गया? आम कैसे गिर गया? क्या करने गया था? आम के पेड़ से। हमारा राकेश। कहाँ के रहने वाले? भोगरा। ये कौन है आपका? सामने लड़का। क्या नाम है उसका? देवेन। क्या हो गया? कहाँ का रहने वाला है? संजय सरवरिया, लकी डी सी एन न्यूज़ समाओ। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। आदिवासियों को दिए जाए वन भूमि के पट्टे, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। दमोह नगर पालिका में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। चना खरीदी केंद्रों पर निर्माताओं के बीच आज अंतिम दिन, किसानों को दिए जा रहे हैं टोकन, लेकिन नहीं हो पा रही है पर्याप्त खरीदी। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले लीजिए हमें चाचा।